हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल पिंकीज क्रिएटिव वर्ल्ड। छठ पूजा की नहाए खाए की वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी एंड देन उसके बाद खरना, शाम की अरग, सुबह की अरग की वीडियोस मैंने नहीं शेयर करी। सॉरी फॉर डिले, बट ये है खरना की व्लॉग एंड उसके बाद शाम की अरग और सुबह की अरग की वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे खरना के लिए मम्मी खीर बना रही हैं, जो ईंट होते हैं उसको लगा करके एंड देन वहाँ पे लकड़ी की हेल्प से और पीतल के बर्तन में ही ये खीर बनती है। सो वहाँ पे मम्मी सिर्फ भगवान जी को भोग लगाने के लायक जो खीर बनेगी और रोटियाँ बनेंगी वो मम्मी बनाएंगी, जो वो अरग पे डालेंगी, और बाकी की जितनी भी खीर है, मीन्स टोटल 12 लीटर दूध थे, उसकी खीर मैंने बनाई। जो नॉर्मल गैस चूल्हा है उसे मैंने साफ़ किया और वहाँ पे मैंने बनाई। एक्चुअली क्या होता है कि जो अरग पे जो भी चीज़ें चढ़ती हैं उनका मम्मी ही बनाएंगी, वो कोई और नहीं बना सकते, और जो प्रसाद खाने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं तो उतना तो मम्मी बना नहीं पाएंगी, तो वो सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। और जब बन जाता है तो मम्मी जो प्रसाद मम्मी ने बनाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद मम्मी उस वाले बड़े वाले खीर वाले डब्बे में भी डाल देती हैं और फिर वो प्रसाद सभी के लिए हो जाता है। सो यहाँ पे खीर बनके रेडी है मम्मी की, और उसके बाद मम्मी ने बनाई है यहाँ पे रोटियाँ। हमारे यहाँ ना रोटी, खीर और केला और तुलसी की पत्र, यही सारी चीज़ें खरना वाले दिन भगवान जी को अर्पित किया जाता है। छठ महापर्व में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है नियम और साफ़ सफाई। इन दोनों चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ना जो चावल हैं सभी चीज़ें नई ही खरीद के लाते हैं। वैसे तो चावल में कुछ भी नहीं था, पर जैसे कि मैंने कहा कि शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसीलिए सभी चीज़ों को एक बार फिर से देख के कि कहीं कुछ ना रहे, फिर उसे अच्छे से धुल के, और यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी है। हमारे यहाँ जो गुड़ की खीर होती है ना उसका ही भोग लगता है, और सफ़ेद चावल का भी बहुत जगह पर भोग लगता है। सबके अपने अपने घर की परंपरा होती है छठ महापर्व में, और सभी लोग अपने घर की परंपरा के अनुसार ही अकॉर्डिंगली ही बनाते हैं। सो हमारे यहाँ तो गुड़ की खीर बनती है, तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा रखी है और मैं रोटी के लिए आटा गूंथ रही हूँ, और साथ में मेरे हस्बैंड यहाँ पे ठेकुआ छान रहे हैं। खरना वाले दिन ही हमने थोड़े से ठेकुआ छान लिए थे और बाकी की जो खजूरी और बाकी की चीज़ें जो बननी थी ना वो शाम वाले अरग को भी बनी थी, पर अगर सारी चीज़ें उस दिन के लिए रखते तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, इसलिए पतिदेव ने यहाँ पे सारे ठिकुआ बनाया भी और छाना भी। मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, पूजा पाठ हो या बाकी की घर के काम हो, इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स से। ये एक बहुत अच्छी बात है। खीर बन जाने के बाद वो थोड़ी जब ठंडी हो जाती है उसके बाद मम्मी इसमें गुड़ डालेंगी, क्योंकि जब वो बिल्कुल गर्म रहे तो उसमें गुड़ डालने से वो फट सकती है। और वैसे भी ऐसा मेरा मानना है कि जो फास्ट करते हैं ना उनके हाथ से कभी भी खीर ख़राब नहीं होती है, और हम लोगों से मे भी फट जाए, इसलिए मैं कभी भी गुड़ नहीं डालती, मैं मम्मी को ही बुलाती हूँ। सो ये देखिए यहाँ रेडी हो गई है गुड़ की खीर, रोटियाँ मैंने बना ली, और अब शाम के टाइम में मम्मी पूजा करने के लिए आ गई हैं। छठ पूजा में जो भगवान जी को भोग लगता है वो केले के पत्ते पे ही लगाया जाता है, और ये जो रोटियां हैं वो उस अकॉर्डिंग रखी जाती है जिस तरीके से, मीन्स जितने आपके अरग हैं जो आप भगवान जी को अरग देने वाले हैं उस अकॉर्डिंग ही रोटी रखी जाती है, फिर उसके ऊपर खीर रखा जाता है, केला रखा जाता है, और फिर उस रोटी को एक और रोटी से कवर करते हैं, फिर उस पर तुलसी पत्ता डालते हैं, और जो ऑरेंज सिंदूर होता है ना जिससे कि शादी होती है उस सिंदूर का इसमें बहुत महत्व होता है, फिर फूल मारा वगैरह चढ़ाते हैं, फिर कपूर की आरती, घी के दिए की आरती, फिर धूप, हवन, जो छोटा सा हवन होता है वो भी होता है, और जब मम्मी पूजा कर लेती हैं उसके बाद परिवार के जितने भी लोग हैं वो वहाँ जाकर के छठ माता के सामने प्रणाम करते हैं, और फिर मम्मी सबको तिलक करती हैं और सभी मम्मी से और छठ माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। सो यहाँ पे मम्मी की पूजा हो जाने के बाद घर के सभी लोगों ने माता जी के सामने अपने माथे टेके, माता जी से आशीर्वाद लिया, फिर मम्मी ने सबको तिलक लगाया, फिर सब ने मम्मी को प्रणाम किया। खरना की पूजा शाम के समय में ही होती है, तो मम्मी पूरे दिन निर्जला व्रत में रहती हैं, और शाम की ये पूजा हो जाने के बाद
ये जो खीर और रोटी का जो प्रसाद है यही मम्मी खाएंगी। खरना वाले दिन नमक नहीं खाते हैं, शाम को ये खाएंगी और उसके बाद 36 आर के लिए मम्मी का व्रत स्टार्ट हो जाएगा। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है छठ महापर्व का, इसीलिए ये बहुत कठिन होता है और इसमें काफ़ी सारे नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है। और खरना वाले दिन में ही जब मैं प्रसाद बना रही थी उसी समय पे हमने थोड़े से ठिकुए भी बना लिए, क्योंकि इसमें ठिकुआ, खजूरी और भुसबा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो सभी चीज़ें शाम वाले अर्घ के दिन नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमने अभी ठिकुआ बना लिया। इसे बनाने में मम्मी बताते गई कि किस तरीके से क्या होगा। ये जो ठिकुआ होता है ना, ये आटे का बनता है, इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, घी का मोयन डालते हैं और इसको गूंथने के लिए पानी का यूज़ नहीं होता, गुड़ के पानी का होता है, मीन्स गुड़ को मेल्ट करके। ये देखिए यहाँ जो है ये गुड़ मेल्ट किया हुआ है और इसे ही आटे में लगाते हैं और फिर इसकी गोल गोल मम्मी बना के देती हैं और फिर इसका एक सांचा आता है जिससे कि ये ठिकुआ बनता है। तो मम्मी ये देखिए यहाँ पे हेल्प कर रही हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा वो भी काफ़ी खुश था और उसने भी ठिकुआ बनाया, फर्स्ट टाइम मेरे बेटे ने ठिकुआ बनाया और बहुत ही अच्छा लगा देख के। मीन्स ये जो पर्व है इसमें जितने लोग सम्मिलित होते हैं और जितने हंसी खुशी से ये पर्व मनाते हैं बहुत अच्छा लगता है। सो यस, ये थी मेरी खरना की ब्लॉग और कुछ इस तरीके से हमने हमारी खरना की जो पूजा थी उसे संपन्न की। शाम वाले अर्घ की वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, जल्दी आपके साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।